Hello students, in the last video we have solved some problems on KVL, KCL, mesh, nodal, source transformation. Okay, in this video also we will solve some numerical on the same topics. Okay, so first numerical is there is voltage source of 30 volt. Okay, there is a resistor of 10 ohm. There is another resistor of 12 ohm. There is a resistor of 6 ohm. There is a resistor of 20 ohms. And there is a dependent source, voltage source 4 I naught. Okay. Current dependent voltage source. Now, we need to find out I naught. Okay. हमें यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, आई नॉट कैलकुलेट करना है. ओके, तो अब अगर यहां पर आप सिंपली देखें तो यहां पर आपको सारे के सारे वोल्टेज सोर्सेस ही दिखाई दे रहे हैं. 30 वोल्ट जो है आपका वो इंडिपेंडेंट सोर्स है, 4 आई नॉट जो है आपका डिपेंडेंट सोर्स है. ओके, और अगर आप यहां पर ध्यान से देखें आपको लूप्स दिखाई दे रहे हैं 1, 2 एंड 3. ओके, तो यहां पर जो सबसे सिस्टमैटिक अप्रोच हो सकती है आपकी वो हो सकती है आपकी मैश एनालिसिस. ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको ज्यादा करंट सोर्स दिखाई देते तो आप जा सकते थे नोडल की तरफ, या आपको सिर्फ वोल्टेज सोर्स और बाकी सारे रजिस्टर होते तो आप इक्विवेलेंट रजिस्टर कैलकुलेट करके करंट निकाल सकते थे. बट ऐसा यहां पर है नहीं, यहां पर आपका एक डिपेंडेंट सोर्स भी है. तो यहां पर हमें मैश एनालिसिस ही अप्लाई करना होगा. तो सपोज करिए अगर मैं तीनों के तीनों लूप्स में एक एक करंट मान लूं, I1 हियर, I2 एंड यहां पर आपकी अगर मैं मान लूं I3, जैसा आप लोगों ने अप्रोच समझ ली होगी लास्ट वीडियोस में कि हम लोग टारगेट रखेंगे कि हम सभी करंट्स को सेम डायरेक्शन में लें क्लॉकवाइज. ठीक है, अब जो आपका आई नॉट है आप देख सकते हैं जो आई नॉट है वो इस ब्रांच 10 ओम के अक्रॉस है. तो 10 ओम के अक्रॉस कौन सी करंट है आपकी, I1 माइनस I2. तो आपको I1 और I2 अगर आपने कैलकुलेट कर ली तो I1 माइनस I2 आपको क्या दे देगी, आई नॉट दे देगी. ओके, सो अगर मैं फर्स्ट लूप में केवीएल चलाऊ तो कितना हो जाएगा, -30. वोल्टेज का हमेशा पहला साइन लेना है. फिर मैंने आपको क्या सिखाया है, टोटल रेजिस्टेंस को ऐड कर दीजिए तो 10 प्लस 12 22 I1. फिर मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है लास्ट वीडियोस में कि अगर किसी ब्रांच में किसी रजिस्टर के अक्रॉस अपोजिट ब्रांच अपोजिट लूप की करंट का अगर अफेक्ट है आपका तो उसे आप क्या करिए, माइनस करिए. सो -10 I2. ठीक है ना, अगर दोनों करंट के डायरेक्शन सेम हो तब आप माइनस करेंगे. ओके, नाउ इस 12 ओम के अक्रॉस किसका अफेक्ट है, I3 का. सो -12 I3 इज इक्वल टू 0. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. अब अगर आप यहां पर देखें 2 में तो टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं आपके, 20 प्लस 10 30 प्लस 6 36 I2. ओके, नाउ 10 ओम में किसका अफेक्ट है, I1 का. सो -10 I1. 6 ओम में किसका अफेक्ट है आपका, I3 का. सो -6 I3 के इज इक्वल टू 0. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. नाउ लास्ट इक्वेशन I3, टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं आपके, 12 प्लस 6 18. सो 18 I3. एक और वोल्टेज सोर्स है आपका डिपेंडेंट, पहला साइन क्या आ रहा है, प्लस. सो +4 I0. 12 ओम में किसका अफेक्ट है आपका, I1 का. सो -12 I1. 6 ओम में किसका अफेक्ट है हमारा, I2 का. सो -6 I2 इज इक्वल टू 0. सो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3. ओके, सो अब अगर आप यहां पर देखें यहां पर तीन इक्वेशन है लेकिन 4 अननोन है, I1 I2 I3 एंड I0. लेकिन आप I0 की वैल्यू जानते हैं ना कितनी है, I1 माइनस I2. सो यहां पर अगर आप I0 की वैल्यू रिप्लेस कर दें I1 माइनस I2 से तो अब आपके तीन इक्वेशन और तीन अननोन हो जाएंगे. ठीक है ना, 3 वेरिएबल का आपका इक्वेशंस बन गए आपके. तो मैंने आपको कहा हुआ है ऑलरेडी कि ये अगेन आपका क्या है, बेसिक मैथ्स है, इसे आपको सॉल्व करना है और आपको I1 I2 एंड I3 की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. उसके बाद आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, I0. ओके, सो इसे आप सॉल्व करिए इन मैथमेटिक्स इक्वेशंस को और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखिए आई नॉट के. ओके, तो ये हमारी केवीएल, ये हमारी मैश एनालिसिस की बेसिक अप्रोच थी जो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं.
इन अप्रोचेस को हमको बार बार सीखना है, बार बार रिपीट करना है, क्योंकि अगर ये अप्रोचेस आप सीख गए एक बार तो आपका कंप्लीट नेटवर्क थ्योरी फिनिश हो जाएगा। क्योंकि नेटवर्क थ्योरी में आगे जाके आप कोई भी टॉपिक पढ़े, सपोज आप टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ते हैं, आप थ्योरम्स पढ़ते हैं, आप ट्रांजिएंट पढ़ते हैं, सब जगह आपको मैश, नोडल, केसीएल, केवीएल ही अप्लाई करना है, ठीक है ना। आप एनालॉग सर्किट बहुत अच्छे से सीख जाएंगे क्योंकि वहां भी आपको केवीएल केसीएल ही अप्लाई करना है। इसलिए इन चीजों को आपको शुरुआत में बहुत अच्छे से टाइम देना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं प्योरली केसीएल बेस पे ले रहा हूं। सपोज करिए यहां पर मेरी एक करंट है 5 एम्पियर की, दिस इज माय वन इंडक्टर ऑफ 3 हेनरी, वन कैपेसिटर ऑफ 2 फैरेड, ओके, और हियर वन रजिस्टर ऑफ 10 ओम, ओके, और इस रजिस्टर के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज है वो है आपका 20 वोल्ट, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। मेन पॉइंट्स को कुछ ले लेता हूं, ए बी सी एन डी, और ये मेरा एक मिडिल पॉइंट है, ठीक है। हमें यहां पर कैलकुलेट क्या करना है, हमें यहां पर कैलकुलेट करना है वी एल, मीन्स हमें वी एल कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। हमें वी सी क्वेश्चन में गिवन है, वी सी की वैल्यू हमें गिवन है 8 sin 2t, ओके, वी सी हमें गिवन है क्वेश्चन में, और हमें और कुछ भी नहीं गिवन, ओके। सो इतनी चीजें हमें गिवन है और हमें वी एल कैलकुलेट करना है यहां पर, ओके। सो अगर हम क्लियरली देख पाए, यहां पर एक कॉमन नोड है जिससे 4 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, सो यहां पर आप सिंपली केसीएल अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड होगा आपके लिए। अगर आप इस नोड पे केसीएल अप्लाई करते हैं तो 5 एम्पियर क्या है आपकी इनकमिंग है, सो प्लस 5 हो जाएगी, ओके। हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है कि आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही फाइनल सॉल्यूशन के बारे में मत सोचिए, आप देखिए कि आप क्वेश्चन स्टार्ट कहां से कर सकते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक फाइनल सॉल्यूशन आपको मिलने लगता है, ओके। सो अगर हम यहां पर देखें, सो आपका जो प्लस 5 है उसके बाद ये जो 20 वोल्ट है आपका, उसके अक्रॉस जो रजिस्टर है वो आपका कितना है 10 ओम है, तो 20/2 कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर की आपकी करंट आ जाएगी, ओके। और ये जो 2 एम्पियर की जो करंट है वो आपकी डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि जो आपका फर्स्ट साइन है, जो आपका फर्स्ट साइन है वो कितना है प्लस है, वो माइनस है, ओके। सो दिस इज प्लस 2, क्योंकि ये 2 एम्पियर आपकी क्या हो जाएगी इनकमिंग, ओके। सो यहां पर अगेन ये जो आपका कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होगा, हमें पता है करंट कहां से फ्लो होता है, प्लस 2 माइनस, सो ये आपका डायरेक्शन होगा, सो आप क्या ले सकते हो माइनस आईसी, और यहां पर अगेन जो इंडक्टर के अक्रॉस होगा वो अगेन क्या होगा प्लस 2 माइनस, सो आपका क्या हो जाएगा माइनस आईएल इज इक्वल टू 0, ओके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसा मैंने आपको बहुत बार कहा हुआ है कि किसी भी रजिस्टर, किसी भी इंडक्टर या किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस जब भी कभी कोई करंट फ्लो होता है तो फर्स्ट साइन हमेशा क्या आएगा बाय डिफॉल्ट प्लस आएगा। तो चूंकि आपको क्वेश्चन में वोल्टेज के साइन दिए हुए थे इंडक्टर कैपेसिटर और रजिस्टर के अक्रॉस, तो आप करंट के डायरेक्शन आराम से अज्यूम कर सकते हैं, ओके। नाउ इस पूरे के पूरे इक्वेशन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें आईसी और आईएल दोनों अननोन है, ओके। सो हमें कैलकुलेट क्या करना है यहां पर वीएल, पर हमें वीसी गिवन है क्वेश्चन में, तो अब अगर हम वीसी को देखते हैं तो वीसी कितना गिवन है 8 sin 2t। हमें अच्छे से पता है कि जो आईसी होता है, हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ रखा है, आईसी होता है सी डीवीसी बाय डीटी, ओके। तो यहां पर सी कितना है आपका 2 farad, ओके, वीसी कितना है 8 sin 2t, तो डी बाय टीटी 8 sin 2t, ओके। सो 8 × 2 कितना हो जाएगा बाहर आपका 16, साइन 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस 2t, और एक और 2 आपका बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 32 cos 2t, ठीक है ना, आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए साइन कॉस का, तो ये आपका आ गया 32 cos 2t, ओके। ये हमारा कितना आ गया आईसी, तो हम पुट कर सकते हैं 7 - 32 cos 2t। Now,
आपका इस इक्वेशन से अब क्या निकल आएगा, IL, तो IL आपका कितना आ जाएगा, IL आपका आ गया 7 माइनस 32 cos 2t। ओके, हमने फिर से पढ़ रखा है कि जो VL होता है वो होता है L DIL by DT, ठीक है ना। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंशिएशन ऑफ करंट होता है इनटू L होता है, ठीक है। तो हमें VL कैलकुलेट करना है, तो VL कितना हो जाएगा आपका, L, L की वैल्यू कितनी गिवन है हम देख सकते हैं क्वेश्चन से, 3 हेनरी, DIL by DT, 7 का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपका 0, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t होता है, ठीक है, और सामने एक और 2 आएगा, 2t का डिफरेंशिएशन फिर 2 हो जाएगा, तो 32 into 2 कितना हो जाएगा आपका 64 साइन 2t, ओके, तो 3 into 64 साइन 2t, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, VL की वैल्यू आ जाएगी हम लोग की, ओके, सो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो आपको ये तो समझ में बहुत इजीली आ जाएगा कि यहां पर आपको KCL अप्लाई करना चाहिए क्योंकि एक सिंपल नोड आपका कॉमन नोड आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन आपको बाकी के कंसेप्ट भी समझ में आने चाहिए और आपको पता होने चाहिए कि कैपेसिटर के वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशनशिप होता है आपका, ओके, सेम इंडक्टर के करंट और वोल्टेज में आपका क्या रिलेशनशिप होता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ओके, सो ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर होंगी और इन चीजों को आप अप्लाई कर पाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी हमें, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सपोज करिए यहां पर आपका एक वोल्टेज सोर्स है और आपके कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, ओके, सो यहां पर वन मोर रेजिस्टेंस आपका करेक्ट है, एक और है आपका, नाउ देयर इज वन मोर एंड दिस इज लास्ट वन, ओके, सो यहां पर आपके एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, ओके, ये वोल्टेज सोर्स जो है आपका वो है आपका 88 वोल्ट्स का और कुछ रेजिस्टेंसेस आपके कनेक्टेड है, फर्स्ट है 22 ओम, देन 13 ओम, देन 18 ओम, देन 11 ओम, देन अगेन 14 ओम, देन 9 ओम एंड दिस इज योर 5 ओम, ओके, हमें कहा क्या गया है, हमें कहा गया है कि हमें इस 18 ओम के अक्रॉस करंट आई कैलकुलेट करनी है, ओके, सो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हुई है तो मैंने इस तरह का एक और क्वेश्चन वहां पर लिया हुआ है, मैं जस्ट आपका रिवीजन करा रहा हूं यहां पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को तो यहां पर एक वोल्टेज सोर्स है और बाकी सारे आपके रेजिस्टेंसेस हैं, तो मैंने आपको कहा हुआ है कि जब एक वोल्टेज सोर्स हो और बाकी के सारे आपके क्या हो, रेजिस्टेंसेस हो, तो आपके पास एक सिंपल सा ऑप्शन क्या है कि आप उस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए जिससे आपको उस वोल्टेज सोर्स से निकलने वाली करंट पता चल जाएगी और आप फिर करंट डिवीजन रूल से जो भी करंट आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिस भी ब्रांच में आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो मुझे अपोजिट एंड से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये हम सीख चुके हैं, तो 9 और 5 आपके किसमें हैं, सीरीज में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14, अब ये आपका 14 और ये 14 किसमें हो जाएंगे आपके पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा आपका 7 ओम, अब ये 7 और 11 किसमें हो जाएंगे आपके सीरीज में, तो कितना आ गया आपका 18 ओम, अब ये 18 और 18 किसमें हो जाएंगे आपके पैरेलल में, तो कितना हो गया आपका 9 ओम, अब ये 9 और 13 किसमें है आपके सीरीज में, तो कितना आ गया 22 ओम, अब ये 22 ओम किसमें होंगे आपके पैरेलल में, तो कितना आ गया आपका 11 ओम, तो जो R आपका आया है वो आया है 11 ओम, ओके, तो आपको यहां पर सिर्फ बेसिक सीरीज और पैरेलल आना चाहिए, ओके, क्लियर है ना, ये जो आपका 9 और 5 है वो आपका एक रेजिस्टेंस बन जाएगा 14 ओम का, ओके, अब ये जो 14 ओम का एक रजिस्टर होगा वो इस 14 ओम से किसमें आ जाएगा पैरेलल में, सो 14 पैरेलल 14 कितना हो जाएगा आपका 7, तो यहां तक का जो टोटल रजिस्टेंस है आपका वो कितना आ गया आपका 7 आ गया, अब ये जो 7 और 11 किसमें आ गए आपके सीरीज में, तो कितना हो गया आपका यहां तक का टोटल रजिस्टर 18 हो गया, अब ये 18 और 18 किसमें आ जाएंगे पैरेलल, तो कितना हो गया 9, 9 प्लस 13 22 एंड 22 पैरेलल 22 कितना आ जाएगा 11,
सो हमारी जो करंट हो जाएगी 88/11 कितनी हो जाएगी 8 एम्पियर की, ठीक है। अब ये जो 8 एम्पियर की करंट है वो इस पॉइंट पे डिवाइड होगी यहां पर और यहां पर। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है आपका 22 ओम है, ओके। और इस पूरी ब्रांचेस का रेजिस्टेंस कितना है आपका, हमने पढ़ा हुआ है अभी 22 ओम है, तभी तो 22 पहले 22 कितना आया था आपका 11 आया था। सो करंट किस पे डिवाइड होगी, हाफ और हाफ, तो ये कितनी हो जाएगी 4 एम्पियर और ये कितनी हो जाएगी आपकी 4 एम्पियर, क्योंकि अगर रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम है तो करंट हाफ और हाफ डिवाइड हो जाएगी। अब ये जो आपकी 4 एम्पियर है वो भी आपकी आई में और इस ब्रांच में डिवाइड होगी, ठीक है। तो इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपका 18 और बाकी टोटल का टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपका, कितना है हमारा 18, ठीक है ना। 9 + 5 = 14, 14 + 14 = 7, 7 + 11 = 18। तो करंट अगेन आपकी हाफ और हाफ डिवाइड होगी, तो यहां कितनी चल जाएगी आपकी करंट 2 एम्पियर और यहां भी कितनी जाएगी आपकी 2 एम्पियर। सो आई की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो गई हम लोग की 2 एम्पियर, ओके। सो अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो इस क्वेश्चन में हमें दूसरा सर्किट तक ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ और सिर्फ एक सर्किट में ही हमारा आंसर आ गया, ओके। सो अगर आपको सीरीज पैरेलल, बेसिक सीरीज पैरेलल अगर आपको आता है तो जब भी आपको वोल्टेज सोर्स के साथ बाकी सारे रजिस्टर दिखाई दें तो आप वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस रजिस्टर कैलकुलेट करिए, देन आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाने वाला है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। सपोज करिए यह आपका एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, ओके, ऑफ 2 वोल्ट्स। यहां पर एक और वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है ऑफ VY, यहां पर आपका अगेन एक और वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है ऑफ 6 वोल्ट, यहां पर एक वोल्टेज गिवन है आपको VX, यहां पर आपको एक और वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है ऑफ 8 वोल्ट और एक और वोल्टेज गिवन है VZ, ओके। और यहां पर आपका 2 वोल्ट के अक्रॉस एक लाइन है, उसके बाद एक वोल्टेज जो आपका पॉइंट दिया हुआ है दैट इज VP, एंड लास्ट जो आपका वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है 4 वोल्ट एंड दिस लाइन इज ग्राउंडेड, ओके। सो माइनस प्लस हमें पता ही है, ठीक है ना, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है ना, ये हमें क्लियर होना चाहिए। नाउ हमारा जो क्वेश्चन है हमें कैलकुलेट करना है VP, VX, VY एंड VZ, ओके। ये 4 वोल्टेजेस हमें कैलकुलेट करने हैं यहां पर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम यहां पर एक नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, वो नया कंसेप्ट क्या है, वो नया कंसेप्ट ये है आपका कि जब भी आपको कोई वोल्टेज पॉइंट में ऐसा लिखा हो, वोल्टेज हमेशा अभी तक हमने जो देखा है जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं वोल्टेज हमेशा आपका प्लस माइनस के फॉर्म में गिवन होता है, लेकिन यहां पर सिर्फ Vx गिवन है, प्लस माइनस नहीं गिवन है। तो जब भी आपका वोल्टेज पॉइंट में गिवन होगा और वो वोल्टेज अगर प्लस साइन है तो आपको क्या करना है, आपको एक्सटेंड करके प्लस माइनस के फॉर्म में लिखना है और माइनस को ग्राउंड कर देना है। अगर वोल्टेज की वैल्यू प्लस है तो माइनस को ग्राउंड करेंगे, अगर वोल्टेज की वैल्यू माइनस होती तो हम प्लस को ग्राउंड कर देते, ओके। सो यहां पर Vx को भी एक्सटेंड करोगे प्लस माइनस, माइनस क्या हो जाएगा ग्राउंड, ये Vx हो गया, ये आपका क्या हो गया VZ, VP को भी आप एक्सटेंड करिए प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका ग्राउंड, दिस इज VP। तो ये तीनों पॉइंट को हमने एक्सटेंड कर दिया, ओके। अब यहां पर आपको करना क्या है, आपको देखना है कि जो वोल्टेजेस आपको कैलकुलेट करने हैं वो आपके किस लूप में आएंगे। अब आप लूप का मतलब पूछेंगे यहां पर, आप बोलेंगे यहां पे तो कोई क्लोज लूप दिखाई नहीं दे रहा मुझे, तो आपको ये बात समझनी होगी कि केवीएल सिर्फ और सिर्फ क्लोज लूप में नहीं, या क्लोज लूप की मीनिंग आपको समझनी होगी। क्लोज लूप की मीनिंग क्या होती है कि आप जिस पॉइंट से स्टार्ट करें उसी पॉइंट पे वापस आ जाए। ग्राउंड और ग्राउंड आपका दोनों पॉइंट सेम है ना, तो अगर आप एक ग्राउंड से स्टार्ट करके दूसरे ग्राउंड तक वापस आ जाए तो वो भी क्या होगा, एक क्लोज लूप होगा। वहां पर भी आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज करिए आप कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं, सपोज करिए मैं ये पाथ चूज करता हूं जहां पर VP अननोन है और 2 और 4 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये ग्राउंड से स्टार्ट करके मैं अगर ग्राउंड पे एंड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इस ग्राउंड से स्टार्ट करूं तो माइनस VP, देन क्या हो जाएगा प्लस 2, देन क्या हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहां से हमारी जो VP की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी माइनस 2 वोल्ट,
ओके सेम वैसी। अब आप ढूंढिए आपको नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, Vx, ओके सो Vx के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब अगर मैं यहां पर ये वाला लूप चला दूं, दिस लूप, तो यहां पर आपका Vx और Vy दोनों क्या हो जाएगा, अननोन हो जाएगा, तो हम लगा सकते हैं यहां पर, तो कितना हो जाएगा देखिए, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं माइनस वी एक्स ओके माइनस सिक्स माइनस वी वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो ये आपका इक्वेशन नंबर वन था जहां आपको वीपी कैलकुलेट हो गया है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू। ओके तो हमने इस लूप को भी चूज कर लिया, क्लियर है यहां तक। नाउ सिमिलरली अगर मैं ये लूप चूज कर लूं वीपी वाला, और अगर मैं यहां पे आ जाऊं, तो फिर से मुझे क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा किसमें, वी वाई एंड वी एक्स में, ठीक है। तो मैं एक और लूप चूज कर लेता हूं, ये वाला देखिए, वीपी से स्टार्ट करिए, माइनस वीपी प्लस टू प्लस टू प्लस वी वाई प्लस वी वाई प्लस सिक्स प्लस सिक्स, और क्या हो जाएगा आपका, प्लस वी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके सो यहां पर आप किसी भी ग्राउंड से किसी भी ग्राउंड की तरफ चले जाइए, यहां पर जो मेरा एम है वो कैलकुलेशन करना नहीं है, मेरा एम यहां पर क्या है, आपको कंसेप्ट सिखाना है, कि आपको सबसे पहले यहां कंसेप्ट क्या होना चाहिए, कि आप सबसे पहले क्या करिए, जो भी आपके पॉइंट वाले वोल्टेज है उन्हें प्लस माइनस करके ग्राउंड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद मेरा दूसरा एम क्या है, यहां पर दूसरा एम क्या है, कि हम लोग ये समझ जाएं कि हम लोग केवीएल ग्राउंड टू ग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं, आप एक ग्राउंड से स्टार्ट करिए और दूसरे ग्राउंड पे चले जाइए, आप यहां से यहां अप्लाई कर दीजिए, आप यहां से यहां अप्लाई कर दीजिए, आप कहीं भी अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके सो इस तरह की क्वेश्चन को हमें डील करना आना चाहिए। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर आपको कुछ करंट सोर्सेस दिए हुए हैं, एक करंट सोर्स है आपका 2 एम्पियर का और एक करंट सोर्स है आपका 3 एम्पियर का। ओके नाउ यहां पर एक रजिस्टर कनेक्टेड है आपका 2 ओम एंड एक रजिस्टर आपका कनेक्टेड है 1 ओम का। ओके यहां पर आपको ये ग्राउंड दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करने क्या बोला है, वी जेड, इस पॉइंट पे जो कॉमन नोड है वहां पर आपको वी जेड कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। ओके तो अगर आप इसको देखें, अब इस क्वेश्चन को, तो आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पर आपको करंट सोर्सेस दिख रहे हैं इसलिए आप नोडल लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में समझाया है कि जब भी आपको कोई पॉइंट में वोल्टेज दिया हो तो सबसे पहले कोशिश करिए कि आप उसे प्लस माइनस के फॉर्म में लिख लीजिए, वोल्टेज प्लस में था तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, ग्राउंड। तो आप देखेंगे तो यहां पर आपको ग्राउंड टू ग्राउंड, वापस से आपको ग्राउंड टू ग्राउंड मिल रहा है केवीएल लगाने के लिए, ठीक है। आप यहां से भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप यहां से मूव करते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या है, कि आपको 2 ओम और 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेजेस नहीं पता है, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम यहां ध्यान से देखें, ये जो 3 एम्पियर की आपकी करंट है वो यहां तक जाएगी, फिर वो यहां आ जाएगी, फिर वो ऐसे ऊपर जाएगी, तो दिस इज योर 3 एम्पियर। अब ये 3 एम्पियर की जो आपकी करंट है, जब रजिस्टर से पास होगी तो पहला साइन क्या आएगा, प्लस, तो प्लस माइनस 3 वोल्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 3 वोल्ट। अब ये जो 2 एम्पियर की करंट है वो भी नीचे की तरफ आ रही है, 3 एम्पियर आपकी ऊपर की तरफ आ रही है, दोनों की दोनों आपकी कहां चले जाएंगी, अंदर चल जाएंगी, कितना आ जाएगा आंसर, 5 एम्पियर। तो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा आपका, प्लस माइनस 10 वोल्ट, 5 इंटू 2 10 वोल्ट। ओके तो अब अगर हम लोग यहां ध्यान से देखें तो हमें 3 ओम के अक्रॉस, सॉरी 1 ओम के अक्रॉस हमें वोल्टेज पता है एंड 2 ओम के अक्रॉस भी हमें वोल्टेज पता है। ओके सो अब अगर हम ग्राउंड टू ग्राउंड केवीएल लगाएं तो कितना हो जाएगा, माइनस वी जेड देन माइनस 10 देन माइनस 3। ओके यहां से हम स्टार्ट करेंगे, माइनस वी जेड देन आपका वोल्टेज कितना है, माइनस 10 है, देन कितना है, माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके सो यहां से आपका आंसर आ जाएगा, वी जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस 13 वोल्ट। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रिलेशनशिप डिटरमाइन करना है दो वोल्टेजेस के बीच में. ओके मैं फिर से वही कंसेप्ट यहां पर भी रिपीट करने जा रहा हूं जो मैंने आपको भी सिखाया है कि जब आपके पॉइंट्स में वोल्टेज गिवन हो तो आपको क्या करना है, उन्हें आपको प्लस माइनस में एक्सटेंड करना है. ओके तो यहां पर V1 आप देख चुके हैं, आपको ऑलरेडी पॉइंट में गिवन है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए कि आपको किसमें लिखना है उसे प्लस माइनस, और माइनस को क्या करना है आपको ग्राउंड करना है. ओके तो यहां पर आपका 1 ओम, दिस इज ऑल्सो 1 ओम, और यहां पर जो आपका वोल्टेज गिवन है माइनस प्लस 2 वोल्ट. ओके नाउ आपका V2 कहां गिवन है, यहां पर आपका V2 गिवन है. नाउ आपका टारगेट क्या है, अब आपका टारगेट है कि फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन V1 एंड V2. तो आपको V1 एंड V2 में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है. ओके तो सबसे पहला जो टास्क आपका होगा वो क्या होगा कि आप सबसे पहले जो पॉइंट्स में जो वोल्टेज दिए हुए हैं उन्हें आप ग्राउंड के फॉर्म में लिख लीजिए. तो प्लस माइनस V1, माइनस क्या हो जाएगा ग्राउंड, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस V2, और माइनस क्या हो जाएगा आपका ग्राउंड. ओके जब आपने वोल्टेजेस को ग्राउंड के फॉर्म में लिख लिया, अब आप ग्राउंड टू ग्राउंड KVL चला सकते हैं जहां पर आपका V1 एंड V2 दोनों आ जाए, क्योंकि आपको यहां पर V1 V2 की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, आपको V1 V2 के बीच रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है. ओके सो क्या हो जाएगा, माइनस V1 वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम, माइनस 2 वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम, एंड प्लस V2 इक्वल टू 0. प्रॉब्लम यहां पर कहां पर आ रही है, जब हम KVL लगा रहे हैं कि वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट लूप में जो 1 ओम है वो अननोन है, एंड वोल्टेज अक्रॉस सेकेंड लूप में जो 1 ओम है वो भी हमें क्या है अननोन है. ठीक है तो आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियोस में हमने वोल्टेज डिविजन रूल पढ़ा है, तो देख सकते हैं आप ये 2 वोल्ट है, ये 1 ओम और 1 ओम में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है क्योंकि सीरीज सर्किट है आपका. तो जब रजिस्टर इक्वल है तो हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा प्लस माइनस 1 वोल्ट. ओके अब अगर हम सेकेंड लूप में देखें तो ये आपका माइनस 2 वोल्ट है, माइनस साइन आपका ऊपर है ना, तो माइनस 2 वोल्ट है वो 1 ओम और 1 ओम में डिवाइड हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 वोल्ट. ओके क्लियर है ना, माइनस 2 मतलब माइनस 1 माइनस 1, तो ये आपका माइनस 1 वोल्ट आ गया. अब अगर हम KVL अप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, माइनस V1, देन पहला साइन क्या है प्लस प्लस 1, देन फर्स्ट साइन इज माइनस सो माइनस 2, देन फर्स्ट साइन इज अगेन माइनस सो माइनस 1, देन V2 का फर्स्ट साइन क्या है आपका प्लस, सो प्लस V2 इक्वल टू 0. ओके ये आपको आई थिंक क्लियर होगा. नाउ ये 1 और ये माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका कैंसल. ओके सो आपका कितना हो जाएगा आंसर, V2 माइनस V1. ठीक है ये माइनस 2 वहां जाके क्या बन जाएगा आपका प्लस 2, सो ये आपका रिलेशनशिप आ जाएगा V1 एंड V2 में. क्लियर है यहां तक आपको. तो ये जो लास्ट के हमने 2 से 3 क्वेश्चन किए हैं, उन दोनों से तीनों क्वेश्चन में हमने एक चीज आइडेंटिफाई की है कि अगर हमें पॉइंट वाइज वोल्टेज गिवन है तो उसे पहले हमें ग्राउंड के फॉर्म में लिख लेना है. ओके प्लस माइनस के फॉर्म में लिख लेना है. अगर हम ये कर पाते हैं तो उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड KVL लगाने तक ही रह जाएगा, उसके अलावा कोई भी नया कंसेप्ट नहीं लगेगा, बाकी सारे के सारे पुराने कंसेप्ट ही होंगे आपके. ओके सो ये आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा अच्छे से. अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. अगर मैं अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट नोडल का क्वेश्चन लूं, फिर से हमने लास्ट लेक्चर्स में नोडल के क्वेश्चन किए हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं क्वेश्चन को, प्लस माइनस Vx, के दिस इज योर 6 ओम एंड दिस इज योर 3 एम्पियर करंट सोर्स. नाउ दिस इज योर 4 ओम रजिस्टर एंड दिस इज योर डिपेंडेंट सोर्स ऑफ 4 Vx. ओके नाउ यहां पर आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको I कैलकुलेट करना है, करंट I 4 ओम के अक्रॉस, और सेकेंड क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स, दैट इज VY. ओके तो ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास. मैं चाहता हूं कि हम लोग यहां पर नोडल की अप्रोच अप्लाई करें, हमें नोडल को एक बार और सीखना है. तो नोडल की अप्रोच अप्लाई करने के लिए हमें इस पॉइंट को क्या करना होगा, पहले ग्राउंड करना होगा. ठीक है
तो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर वोल्टेज कितना है आपका, वी एक्स है, ओके। तो ये आपका क्या है, सेम है, तो ये भी क्या होगा आपका, वी एक्स होगा, ठीक है ना। जो किसी भी ब्रांच का वोल्टेज होता है वही आपका क्या रखा जाता है, नोट पे रखा जाता है। तो इस ब्रांच का टोटल वोल्टेज कितना है, वी एक्स, तो ये भी वी एक्स हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा आपका, वी एक्स हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? नाउ यहां पर हमें वोल्टेज पता है क्या, यस पता है। इस ब्रांच का टोटल वोल्टेज कितना है, -4 Vx। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर माइनस साइन ऊपर है, तो हमें 4 Vx नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, -4 Vx लिखना है। क्लियर है? ओके। नाउ अगर मैं Vx पे नोडल अप्लाई करूं अब, तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले हमें करंट के डायरेक्शन शो करने होंगे, जिन ब्रांचेस में करंट के डायरेक्शन शोज नहीं है। तो सिर्फ एक 3 ओम में ही करंट का डायरेक्शन नहीं गिवन था, तो हमने शो कर दिया। अब Vx के करस्पॉन्डिंग ये जो 3 ओम के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है आपकी, आउटगोइंग। तो कितना हो जाएगा, -Vx/3, ठीक है। ये 3 एम्पियर जो है Vx पे क्या हो रही है, इनकमिंग, सो क्या हो जाएगा आपका, +3 के। ये जो I है वो क्या है, Vx के करस्पॉन्डिंग आउटगोइंग, तो आउटगोइंग के लिए आप क्या लगाते हैं, माइनस साइन। अब ये जो I है वो कहां से कहां फ्लो हो रही है, Vx से -4 Vx। हमें इस बात को समझना होगा कि हम वोल्टेज डिफरेंस लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो Vx+4Vx/4=0 के। सो अगर आप इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन कंप्लीटली Vx का रह जाता है, तो यहां से आपका जो Vx है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। Vx आपका सॉल्व हो गया इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से। क्लियर है यहां तक? नाउ हमारा जो टारगेट है वो क्या क्या सॉल्व करने का है, हमें आई कैलकुलेट करना है और वी वाई कैलकुलेट करना है। तो एक बार अगर वी एक्स कैलकुलेट हो गया तो आई क्या हो जाएगा, आई कहां से कहां फ्लो हो रहा है, वी एक्स से -4 Vx तक, तो कितना हो जाएगा, Vx+4 Vx, 5 Vx/4। तो यहां से आपका आई कैलकुलेट हो जाएगा, ओके। अब अगर आपका आई कैलकुलेट हो गया, उसके बाद जो लास्ट कंसेप्ट आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में, वो पूछा है आपको वी वाई कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वी वाई जो है वो इस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज है, ठीक है, और यही करंट आपकी 6 ओम से भी पास हो रही है। तो जब ये करंट 6 ओम से पास होगी तो पहला साइन क्या आएगा, प्लस, दूसरा क्या आएगा, माइनस। तो कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18 वोल्ट, ओके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये बात समझनी होगी कि ये जो 3 एम्पियर है ये एक अलग एलिमेंट है, इसका अपना एक अलग वोल्टेज होगा। ये जो 6 ओम है एक अलग एलिमेंट है, इसका अपना अलग वोल्टेज होगा। जो ये 18 वोल्ट है वो 6 ओम के अक्रॉस है, वो 3 एम्पियर के अक्रॉस नहीं है। 3 एम्पियर आपकी 6 ओम से पास हो रही थी, इस वजह से 6 ओम के अक्रॉस 18 वोल्ट आया है। इसका मतलब क्या है, जो आपका Vx वोल्टेज है टोटल, वो 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज प्लस Vy होगा, ठीक है ना। तो अब अगर हम इस लूप में KVL लगा दें, ठीक है, तो सपोज करिए अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, -Vy, पहला साइन क्या था, करंट सोर्स के वोल्टेज का माइनस, फिर क्या है आपका प्लस, तो +18, फिर Vx का पहला साइन क्या है, प्लस, तो +Vx=0। क्लियर है ना, हमें Vy कैलकुलेट करना था। तो इस लूप में अगर हम देखें तो Vx ऑलरेडी हमें इक्वेशन नंबर 1 से मिल चुका था, 6 ओम के अक्रॉस 18 हमें ऑलरेडी पता था, तो हम सिंपल KVL लगा सकते थे, क्योंकि तीनों एलिमेंट के अक्रॉस हमें वोल्टेज या तो पता थे या हमें कैलकुलेट करने थे। Vy हमें कैलकुलेट करना था, 18 वोल्ट, और Vx हमें ऑलरेडी पता था। तो यहां पर केवीएल लगाते ही आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, आपका इक्वेशन नंबर 2 से वी वाई कैलकुलेट हो जाएगा, ओके। सो ये सारे के सारे कंसेप्ट हमें अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि आपको करंट सोर्स का वोल्टेज अलग होता है और रजिस्टर का वोल्टेज अलग होता है, दोनों को आप कभी मिक्स मत करिएगा, ओके। सो यहां पर ये काफी अच्छा क्वेश्चन था नोडल एनालिसिस का। सो यहां से आपका ये क्वेश्चन फिनिश होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8, वहां पर हम लोग एक और नोडल का क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। आप कह सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है ये नोडल एनालिसिस पे हमारा। ये क्वेश्चन है आपका 8 एम्पियर आपकी करंट सोर्स है, ओके। नाउ 10 ओम आपका एक रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है उस करंट सोर्स के, और आपका 3 ओम का एक रेजिस्टर है, देन आपका 20 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है, और 10 ओम का एक रेजिस्टर कनेक्टेड है सीरीज में
वोल्टेज सोर्स के, और लास्ट में 10 ओम का एक और रजिस्टर कनेक्टेड है आपका, और इसी 10 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस आपको Vx कैलकुलेट करना है, वोल्टेज Vx। ओके, अगर अब आप इस सर्किट को देखें, और जैसा मैंने कहा कि हमें फिर से नोडल अप्लाई करना है बिकॉज वी वॉन्ट टू स्टडी नोडल, हमें नोडल अच्छे से सीखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले नोड को क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक नोड पे वोल्टेज लगा देंगे। तो यहां पर हमें वोल्टेज पता है क्या, नहीं, हमें करंट पता है लेकिन वोल्टेज नहीं पता, तो हम क्या करेंगे यहां पर V1 मान लेंगे। ठीक है, आप यहां पर एक और अप्रोच भी यूज कर सकते थे, दैट इज कॉल्ड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, बट हमारा एम जो यहां पर है नोडल सीखने का है, दैट्स व्हाई मैं सिर्फ और सिर्फ नोडल अप्लाई कर रहा हूं। ये भी क्या होगा आपका V1 हो जाएगा, यहां पर वोल्टेज कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं, ये पूरा क्या है शॉर्ट है, तो ये Vx है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका Vx, Vx क्या है 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज है ना, तो Vx Vx मिल गया हमें। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है नोडल में, कि जिस जिस ब्रांच में हमें करंट का डायरेक्शन नहीं गिवन, वहां अपनी मर्जी से हम कुछ भी करंट का डायरेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने 10 ओम के अक्रॉस डाउनवर्ड ले लिया, 3 ओम के अक्रॉस हमने राइट साइड ले लिया, इस ब्रांच पे भी हम डाउनवर्ड ले लेते हैं और इस ब्रांच पे भी हम डाउनवर्ड ले लेते हैं। ओके, अब अगर मैं Vx पे नोडल अप्लाई करूं तो आप देख सकते हैं Vx पे जो 3 ओम से जो 3 ओम के अक्रॉस आपकी करंट है जो V1 से आ रही है वो क्या है, इनकमिंग है, तो क्या हो जाएगा प्लस V1 माइनस Vx अपॉन 3। ठीक है, ये जो 10 ओम से जो करंट है वो क्या है आउटगोइंग, सो माइनस Vx अपॉन 10। ओके, नाउ ये जो 20 वोल्ट से जो करंट पास हो रही है वो भी क्या है Vx के करस्पॉन्डिंग आउटगोइंग है, तो आप माइनस लगा देंगे। अब यहां पर एक और पॉइंट है, आप समझिएगा, मैंने आपको क्या कहा है करंट क्या होती है वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो हमेशा क्या होता है जब आप नोड लेते हैं तो सीधा सीधा ग्राउंड होता है और बीच पे एक रेजिस्टर होता है, यहां पर एक और वोल्टेज है, तो आपको क्या समझना है यहां पर कि आपको जो फर्स्ट नोड है उसको खाली प्लस रखना है, बाकी सबको उससे सब्ट्रैक्ट करते चलना है, मतलब Vx माइनस 20 माइनस ग्राउंड दैट इज 0 डिवाइड बाय टोटल रजिस्टर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये करंट क्या थी आपकी आउटगोइंग की, तो आपने पहले माइनस साइन लगा दिया, फिर Vx से फ्लो हो रही थी कहां तक, ग्राउंड की तरफ, तो आपने क्या लिखा Vx माइनस 20 माइनस 0 डिवाइड बाय टोटल रजिस्टर 10। ओके, सो आपका एक इक्वेशन आ गया V1 और Vx के फॉर्म में। हम देख सकते हैं इस इक्वेशन में दो अननोन है, तो हमें एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो हम V1 पे भी क्या लगा देते हैं नोडल लगा देते हैं। ओके, तो जब हम V1 पे नोडल लगाते हैं तो V1 पे देखिए आप 8 एम्पियर क्या है आपकी इनकमिंग है, सो प्लस 8, 10 ओम के अक्रॉस करंट क्या है V1 के करस्पॉन्डिंग आउटगोइंग, सो माइनस V1 अपॉन 10, 3 ओम के अक्रॉस जो करंट है वो क्या है V1 के करस्पॉन्डिंग अगेन आउटगोइंग, सो माइनस V1 माइनस Vx अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। टोटल 3 करंट थी आपकी, एक थी 8 एम्पियर, एक आपकी 10 ओम के अक्रॉस और एक आपकी थी 3 ओम के अक्रॉस। ओके, सो अब आप देख सकते हैं यहां पर दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो आप दोनों इक्वेशन को जो आप बेसिक मैथ से सॉल्व करेंगे तो आपको V1 और Vx कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, और हमें कैलकुलेट भी क्या करना है Vx ही कैलकुलेट करना है। ओके, सो आप आंसर कैलकुलेट करिए इसका और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर लिखिए, और अगर कोई डाउट है तो डाउट भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चंस को यहीं स्टॉप कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं सुपर मैश एंड सुपर नोड, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर को जरूर देखिएगा। ठीक है, ओके, गुड बाय।